नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनी जी आरती में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाते हुए सच में मुझे इतना जो है मतलब अच्छा लग रहा है, इतना आनंद हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो धुनी जी आप बोल लीजिए या फिर छोटा सा दीपक बोल लीजिए, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं इसे, छोटा सा धुनी जी, छोटा सा दीपक जो है, ये जो है बहुत ही प्रेम से भेजा है मेरे एक भाई ने, जो कि गुजरात में रहता है। 18 साल की उम्र है उसके, और बहुत ही प्यार से 4 साल पूर्ण होने के लिए, चैनल की जो है धूप धुनी जी आरती चैनल की 4 साल पूर्ण होने के लिए जो है उसने मुझे ये गिफ्ट भेजा है। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि वो 4 साल से जो है चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, और उसने जो है मुझे जब मेल किया, तो मैं जब उससे पूछ रहा था मतलब आपने ये वाले वीडियो आदि देखे हैं या नहीं, तो वो सारे के सारे वीडियो उसने देखे हैं। धूप पूजा को इतने अच्छे तरीके से जो है उसने अपनाया, उसने सीखा। मुझे जो है हर वीडियो के बारे में मतलब ये वीडियो में आपने ये बताया, इस तरीके से बताया, धूप अनुवासन से लेकर, धूप आरती से लेकर, धूप नैवेद्य से लेकर, दुर्गा पूजा की धूप आदि, सभी के सभी चीज़ें जो है ना उसे एक प्रकार से जैसे बोला जाए, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी आप चीज़ पूछो तो झट से जवाब देता है, तो कंठस्थ एकदम जो है उसके साथ जो है अपने आप को उसने एकात्म किया है, और यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। आप जिस विषय के ऊपर चैनल में वीडियो बनाते हो, और कोई जब जो है उस चैनल के उस वीडियो से जो है उस विषय को संपूर्णता सीखने की भावना से जो है उन सारे विषयों को अपनाते हैं, तो इससे बढ़कर तो उपहार मुझे लगता है और कुछ हो ही नहीं सकता कि एक भावना को, एक विषय को जो है अंतर मन से इस प्रकार से अपनाना कि धूप धुनी जी भावना। देखिए, हमारा ये चैनल जो है, ये हमारी धूप पूजा, धूप आरती, धूप नैवेद्य, महानैवेद्य आदि, इस विषय के ऊपर ही जो है मैं ज़्यादातर आप लोगों को बताता हूँ। इसके साथ साथ धूप दीप आदि के तत्व आदि मैं बताता हूँ, देवी पूजा के विषय में बताता हूँ, पर हमारा चैनल मूल जो है धूप पूजा यानी धूप धुनुची आरती, धूप धुनुची से पूजन आरती के ऊपर ही जो है मूलतः निर्भर है। तो इसलिए इस विषय को अगर कोई जो है संपूर्ण मन से अपना कर जो है इसे सीखने की संपूर्ण जो है चेष्टा करते हैं, और इसे अपना कर नित्य प्रतिदिन अपनी पूजा में और विशेष पूजा आदि में भी इसे करते हैं, तो इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये वाले मेरे जो भाई है उसने इतने अच्छे तरीके से इन सारे विषयों को अपनाया है, मुझसे जो सारे विषय के बारे में वो पूछ रहा था, बोल रहा था, मैं सच में जो है मुझे इतना आनंद हो रहा था कि उसने इतनी सुंदरता से जो है चैनल के हर वीडियो को देखा है, हर वीडियो को समझा है। अभी तक मुझे उसका कोई कमेंट्स नहीं मिला था चैनल में जो है, वीडियोस आदि में कोई कमेंट्स मैंने उसका आज तक जो है नहीं देखा था। ये पहली बार जो है 4 साल पूर्ण होने के लिए जो है पहली बार उसका मेल आया, तभी जो है मैंने जाना कि वो गुजरात में रहता है। गुजरात में वो सोमनाथ के वहाँ ही रहता है, सोमनाथ से उसका घर जो है 45 या फिर 1 घंटा इस प्रकार का दूरी में है, मतलब सोमनाथ जो मूल शहर या फिर मंदिर से होगा, मतलब तात्पर्य शायद उसका ये मंदिर से होगा कि मंदिर से इस प्रकार की दूरी से है। मैं सोमनाथ तो गया नहीं हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मतलब वो सोमनाथ के वहाँ ही रहता है, गुजरात के सोमनाथ जो क्षेत्र है, सौराष्ट्र क्षेत्र, वहीं पर जो है वो रहता है। और इतने सुंदरता से उसने धूप पूजा, और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं जो है दादा अपने आसपास के अपने दोस्तों के उनके मम्मियों को जो है मैं बताता हूँ धूप पूजा के बारे में कि कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये वो। यही होता है एक पूर्ण समर्पण, यही होता है सीखने की भावना, यही होता है धर्म को, यही होता है आचार को अपनाने की जो है मानसिकता। ये आधार जो है बहुत कम मिलता है मुझे, इसीलिए जो है बहुत जो है आनंद हुआ दोस्तों इससे मिलके जो है।
सभी से मिलके ही मुझे आनंद होता है। पर सच में अभी तक मैंने इसका कोई कमेंट नहीं देखा था अपने चैनल के कोई वीडियो आते में। और उसके बाद एक मेल मिलने के बाद इस प्रकार के एक समर्पण की भावना वाले जो है इस उम्र के 18 साल की उम्र के कोई मिलते हैं तो सच में बहुत आनंद होते हैं। ज़्यादातर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते, वो कई लोग जो है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, विषय को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, कमेंट बिल्कुल करना चाहिए। उससे ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों के लिए कैसे वीडियो या फिर आप लोग इस विषय को और किस तरीके से जानने की जो है उत्सुक है। पर विषय ये है कि कोई पूर्णता से उस चीज़ के प्रति समर्पण है, उसने इन 4 सालों में एक भी कमेंट आदि नहीं किया है, पर उस विषय को पूरी तरीके से उसने जो है समझा है, उस विषय को अपनाया है, ये मेरे लिए आनंद का विषय है कि मुझे कोई अलग से उसने सवाल आदि आज तक नहीं पूछा। ये मुझे उसने जो है बस बधाई देने के लिए ही जो है मेल किया था और उसने मुझे कहा कि दादा आप मना नहीं करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट भेजूंगा। तो सच में जो है मैं मना नहीं कर पाया, इतना मैं आनंदित था। एक्चुअली मैं जो है ये गिफ्ट आदि ये सारे विषय जो है मैं लेने में उतना जो है अविश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आप लोग ये जो रोज़ वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, धूप धुनुची आरती भावना के साथ अगर आप लोग जुड़ पाते हैं, इसे समझ पाते हैं, इसे अपना पाते हैं, इसे करते हैं, तो इससे बढ़कर सच में मानिए मेरे लिए और कोई उपहार नहीं है। वस्तु का उपहार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। पर ये उसने जिस भावना से भेजा है कि 4 साल पूर्ण होने के लिए जो है ये छोटा सा एक धुनची जो है उसने भेजा है। और देखिए छोटा बड़ा कोई जो है वस्तु, मतलब उपहार में दिए गए कोई भी विषय जो है, इसमें कोई छोटा बड़ा का विषय नहीं है। ये देखने में छोटा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उसने भी जो है चिट्ठी मुझे भेजा है, पत्र भेजा है इसके साथ, तो उसने भी लिखा है मुझे कि ये छोटा सा धूप पात्र मैं आपको भेज रहा हूँ। तो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है भाई, आपकी भावना, आपकी जो समर्पण है ये इतनी बड़ी है, वहाँ पर कोई वस्तु से उसकी तुलना नहीं चल सकती है। और जब भी कोई कुछ चीज़ें देना तो वो छोटा हो या बड़ा हो दोस्तों, हमें वो नहीं देखना चाहिए, हमें उपहार देने वाले की भावना को देखना चाहिए। बहुत समय हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी कुछ देते हैं, मतलब कहते हैं कि देखो उसके उतने पैसे आदि है पर उसने दो है देखो ये वाले गिफ्ट दिया है। नहीं, उसके देने वाले की हम चर्चा करते हैं कि देने वाले की मन की हम चर्चा करते हैं कि उसका मन नहीं है, ये नहीं है। आपकी भी ग्रहण करने की जो है ना क्षमता नहीं है। अगर आप इस विषय को लेकर, किसी के दिए हुए उपहार को लेकर आप इस प्रकार से उपहास या फिर चर्चा कर रहे हो, लोगों में समालोचना कर रहे हो, तो वो जो है आपके ग्रहण क्षमता भी जो है वहाँ पर नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। यानी कि जो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, उनके मन के विचार अगर आप वहाँ पर करते हो उस वस्तु को लेकर जो है, इसका मतलब आप ही जो है ग्रहण नहीं कर पाते हो किसी के दिए हुए उपहार को। तो गलती आप में है। सबसे पहले जो है ना हमें अपने में गलती जो है ढूंढना चाहिए कि हम में तो कोई गलती नहीं है, तो हम में एक्सेप्टेंस नहीं है किसी के दिए हुए उपहार को ग्रहण करने की, उसके क्या सामर्थ्य है या नहीं है इसे लेकर हम चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार से जो है दोस्तों हम जो है मन से शुद्ध हुए फिर जो है जो देखिए जो भी आपको कोई भी भावना से जो है जो कुछ भी देता है ना, उससे उसके साथ उनका जुड़ा हुआ प्रेम देखिएगा। कोई कुछ नहीं भी तो दे सकता है पर वहाँ पर आपको कुछ दे रहा है, ये बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भी जो है कुछ भी देना जो है ये एक बहुत बड़े मन का परिचय होता है। हमेशा जो है ना आप देने वाले की कभी भी हार, मतलब देने वाले की पैसे आदि इन सारी चीज़ों से नहीं देखिएगा, इससे ना आप छोटे हो जाते हैं। यानी कि आपके मन से आप छोटे हो जाते कि आप जो है ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उसे। तो ये आप लोग, कई लोग मुझे कुछ कुछ चीज़ें भेजते हैं, मैं मना करता हूँ, पर इस भाई ने जैसे कि मैंने कहा कि उसने जो है इसे भेजा है, ये मेरे लिए ना
जो मतलब कहते हैं ना कि एक पदक जो मिलता है कोई भी खेल जीतने के बाद जो है, तो 4 साल के सफर पूर्ण करने के बाद ये मेरे लिए एक पदक है, ये मेरे लिए जो है ना एक पदक है, एक स्वर्ण पदक है दोस्तों, ये मेरे लिए सच में एक स्वर्ण पदक है। तो भाई ने जैसे कि लिखा है कि दादा मैं छोटा सा ही ये वाला भेज रहा हूँ बस जो है मेरे याद के तौर पर, तो ये मेरे लिए कुछ छोटा या फिर बड़ा विषय नहीं है, ये आपका प्यार है भाई, और यही मेरे लिए जो है ना ये अनमोल है। अनमोल चीज़ों की कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, अनमोल चीज़ें जो है अनमोल होता है। मुझे कोई भी कुछ देता है मैं हमेशा यही जो है मेरा, मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, अपने परिवार वालों को भी कहता हूँ, क्योंकि ये देखिए परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर किसी के अपने अपने सोच विचार होते, तो कई लोगों के मैं ये देखता हूँ कि वो इस तरह की कुछ चर्चा करते हैं कि देखो देने वाले आदि के इतने हैं पर वो ये दे रहे हैं, तो हमें जो है मतलब हमारे एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारे अंदर ही एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हम दूसरों की इस प्रकार से चर्चा आदि करते हैं। हमेशा खुले मन से जो है दोस्तों कोई भी कुछ भी दे आपके लिए जो है ना उसे खुले मन से अपनाइएगा, और मेरे ये भाई के दिया हुआ ये जो उपहार है धूप धुन जी आरती चैनल के लिए 4 साल पूर्ण होने पर, ये जो है एक सब्सक्राइबर से जो 18 साल की उम्र का हो और इतने प्रेम भाव से उसने हर वीडियो को देखा है, हर वीडियो को जो है इतने अच्छे तरीके से समझा है, उसे अपनाया है, उसे करते हैं और साथ साथ दूसरों को करने की प्रेरणा देते हैं, इससे बढ़कर जो है दोस्तों और कुछ हो ही नहीं सकता। धूप धुन जी आरती भावना को जो है जो इस प्रकार से आगे बढ़ाने की मानसिकता लेकर जो है कार्य कर रहे हैं, जिसकी इस प्रकार की समर्पण की भाव है, उसका मन सच में कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग भी जो है जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ना, आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि धूप पूजा पद्धति को जो है अपने पूजा में अपनाने की और उसे दूसरों को बताने की जो है दोस्तों, यही जो है हमारी चैनल की सबसे बड़ी जो है ना सार्थकता होगी, यही सबसे बड़ी सार्थकता होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और मेरा बहुत सारा प्यार कि तुम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ो, बहुत बड़े बनो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बड़े बनो, अपने जीवन में जो है बड़े बनो, और मैं बिल्कुल जो है यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मेरा भाई है, ये जो लड़का है, ये सच में बहुत दूर तक जाएगा, जिसका मन जो है इतना बड़ा होता है, जिसमें इतनी समर्पण की भावना है, वो सच में बहुत दूर तक जाएगा। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए जो है स्वर्ण पदक से कुछ कम नहीं है। धूप धुन जी आरती के 4 साल पूर्ण होने पर ये जो उपहार है, ये जो प्यार है, ये अनमोल है, ये अनमोल है, और कुछ निःशब्द नहीं है इसे व्याख्या करने के लिए। तो यही था इस वीडियो में, यही विषय दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। तो कैसा लगा आप लोगों को अब मेरे भाई के भेजे हुए ये गिफ्ट जो है, ये उपहार जो है, मुझे अवश्य जो है कमेंट्स करके बताइएगा, और आप सभी भी जो है इसी प्रकार से समर्पण भावना के साथ धूप धुन जी आरती के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।